आज के दिन हम आए हैं लेट्स गो अपने एक बहुत ही जरूरी काम के ऊपर, क्योंकि दरअसल सिचुएशन ये थी कि मैं अपना बिल जो है वो बैंक के थ्रू पे करता हूँ ऑनलाइन। तो पिछली दफ़ा वक्त पर बिल आता था, लेकिन इस दफ़ा लेट हो गया था। और मैंने जैसे ही लेट हुआ और मुझे नोटिफिकेशन आई, मैंने फ़ौरन से पे कर दिया था, लेकिन वो उनको रिसीव नहीं हुआ। फिर मुझे कल संडे को मैसेज आता है कि आपने बिल पे नहीं किया और कल आखिरी डेट है। तो इसीलिए और जो हमारे घर में जो बिल आते हैं वो एक्सचेंज हो गए थे किसी और के, किसी और का आ गए थे। तो आज लास्ट डेट थी, तो हम आए थे लेट्स गो। तो आज ये पता करते हैं क्या मसला है। लेट्स गो। तो ये है गाइस कस्टमर सर्विस सेंटर, तो इधर चलते हैं। हमारे जो बिल गलत आ गए थे वो क्यों आए थे, यानी कि एक्सचेंज हो गए थे? गलत आ गए हैं, लोग खुश हो रहा है। जो आपने पेमेंट किए वो एक वीक के अंदर अपडेट हो गए सिस्टम में। अगर आपने वो पेमेंट किए वो सिस्टम में आ गए। अच्छा, कोई कोई नहीं होता। और जैसे कि वो जो बिल के कागज़ होते हैं वो अगर किसी और नाम के आ गए थे, उसका क्या सीन है? क्योंकि अभी तक हमें जो वो होता है, आपने तो अपने दे दिया ना, बस छोड़े मैनुअल का तो कुछ नहीं, क्यों आपने मैनुअल पे ही नहीं दिया? जी, आप किसी तरह बने, आपने मैनुअल किसी और का आ गया तो आपने पे कर दिया पकड़ के। ऐसे आप जो अपना डायरेक्ट ऑनलाइन पे कर रहे हो, जो आपका मैसेज मिल रहा है वो तो आपके नंबर का आपका मैसेज मिल रहा है। मैनुअल आ रहा नहीं आ रहा, वो आपने आपने अपनी पेमेंट ऑनलाइन कर दी जिस रूटीन में कर दी। जी जी, वो एक वीक में अपडेट हो जाएगी, सिस्टम में आपने खुद ही चेक कर लिया। अच्छा, मैंने ना अपने बैंक की जो हिस्ट्री होती है ट्रांजेक्शन, उसके अंदर मैंने वो चेक किया फ़ोन के जरिए। तो उसके अंदर जब मैंने पे किया तो रेड शो हो जाता, सही है, लेकिन उसी के ऊपर रिवर्सल आ गई और वो अमाउंट दोबारा येलो के अंदर शो हो रही। तो उसका क्या मतलब है? अभी एक वीक देखना, अगर वो अपडेट ना होगी सिस्टम तो फिर वही बिल उसी रेस्ट में बदल मैनुअल निकाल देना, तो बैंक में डिपॉजिट कर देना। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं बैंक जाऊँ, निदान बैंक में मेरा पूछने आंसर पूछो। अगर आपकी डिमांड ट्रांजैक्शन होगी ठीक है, नहीं होता है ठीक है ना, अगर नहीं हुई तो फिर आप फौरी मैनुअली कर दो। मैनुअली में अपने भी करना है, सही है, देखना रहता है मेरा। ओके, शुक्रिया। ओके गाइस, जैसे कि आपने देखा है इन वन शॉट हमने सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले ली है, यानी हमने सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम जा रहे हैं अपने बैंक, उधर से हम और तफसीलात और इन्फॉर्मेशन लेंगे वहाँ से, ताकि हमें पता लगे कि हमारी वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट हुई है या नहीं हुई। सही है। ओके गाइस, तो अब हम आ गए बैंक में, ठीक है, और बैंक जाकर पता करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन जो हुई है वो कंप्लीट हो गई थी या रिवर्स में आ गई थी। अगर रिवर्स में आ गई है तो फिर मैं अब मैन्युअली पे करूंगा अमाउंट अपनी, क्योंकि आज हमारी आखिरी डेट है पे करने की। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो अब जो है मैं बैंक से आ गया हूँ, ठीक है, और बैंक वाले काफ़ी अच्छे थे कि उन्होंने मुझे एक प्रिंट आउट निकाल दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो प्रिंट आउट,
ये रहा वो प्रिंट आउट। तो अब मैं किसी और बैंक जाऊंगा और ये बिल पे करूँगा, क्योंकि ये फोटो कॉपी फॉर्म के अंदर है यानी असली नहीं है, तो ये मैदान बैंक वाले सिर्फ असली अप्रूव करते हैं। तो अब मैनुअली मैं पे करूँगा तो किसी और बैंक जाकर। तो लेट्स गो, किसी और बैंक चलते हैं और फिर इसको पे करते हैं बिल को। आज के दिन आखिरी डेट है तो यही सफ़र हमारा ऐसे ही कटेगा। तो कीप वॉचिंग, लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, सो अब हम फाइनली ब्लॉग अपना एंड करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अपना बैंक में बिल जाकर पे कर दिया है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बिल पे हो गया, आज आखिरी उसकी डेट थी। सो गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अब हमें कमेंट में बताइएगा और स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर द मोर अपकमिंग व्लॉग्स एंड वीडियोस, क्योंकि हमारे और नए नए व्लॉग्स आने वाले हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो चैनल के साथ जुड़िए रहिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेस्को वालों की एडवाइस ये है कि उन्होंने यही कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर रिलाय ना किया करें, मोबाइल अपने जो बिल होते हैं कोई भी, वो फोन एप्लीकेशन के ज़रिए ना दिया करें, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भी एरर आ जाए या इस तरह का कोई भी मसला है तो फिर उसको वापस रिटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा धक्के खाता है और फिर ख्वार होता है और ज़रील होता है। ये उन्हीं के डायलॉग है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अपना सारा का सारा जो बिल होता है वो मैनुअली पे किया करें खुद जाकर, ताकि सही ही हो और कोई एंड में मसला ना हो, जिस तरह अभी हमें मसला उठाना पड़ा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर।